Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue the Lalpan chapter 33. Well, तो अनिल की तो हद पे ना जाते हैं. तीनों लड़की को संभालते हुए वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं सोना सो जाने के लिए. बट उसे नींद कहाँ आएगी. वो विंडो की ओर झांकती है और सामने बिच पर उसे कपल दिखा देते हैं जो कि थे खुनकुआ लेडीपन. और ये देखकर उसकी अटेंशन उन दोनों की ओर ही जाती है. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रही थी कि उसे कितने गिफ्ट्स मिले हैं. उन दोनों को देखकर ऐसा लग रही थी मानो वो दोनों कोई सीरियस टॉपिक पर बात कर रही थी. लेडीपन उससे अपने पीछा छुड़ाकर पहले से वापस आना चाहते थे बट खुनकुआ वो जाने ही नहीं दे रहा था. वो बार बार उसके पीछे आकर उसके साथ कोई ना कोई बात करके उसे रोक लेता है. अनिल को कुछ सुनाई नहीं देती है बट वो फिर भी अपने ध्यान उन दोनों की ओर रखती है. खुनकुआ को लेडीपन से मिलने देना सही नहीं है. हाँ वो उसके लिए सही पार्टनर है बट लेडीपन फाइनली उससे बात ख़त्म करती है और पैलेस वापस आ जाती है. बट अनिल स्टिल विंडो की ओर देख रही थी. खुनकुआ गुस्से से वहाँ जो छोटी छोटी चीज़ थी उस पर किक कर रहा था जिससे उस ट्री के सारे फ्लावर्स नीचे गिर रहे थे. अनिल उसे देखकर थोड़ी सरप्राइज थी कॉज खुनकुआ रियल में बहुत अलग पर्सन है. वो बहुत शांत है बट राइट नाउ ये खुनकुआ बहुत अलग है. खुनकुआ थोड़ी टाइम तक गुस्से से किक मारने के बाद फिर पैलेस में गायब हो जाता है. सडनली उसकी डोर पर नॉक होती है. अनिल की होश वापस आती है. वो जल्दी जल्दी डोर ओपन करती है और ये पर्सन थी लेडीपन. उसके हाथ में एक ट्रे थी जो कि वो अनिल के लिए मेडिसिन लाई है. अनिल लेडीपन को अंदर ले आती है और डोर बंद कर देती है. अनिल लेडीपन से कहती है कहीं किसी ने देखा तो नहीं ना. लेडीपन कहती है नहीं किसी ने भी नहीं वो छुप कर आई है. अनिल कहती है बट अब कितने टाइम तक और किस किस से छुपोगे. लेडीपन कहती है अनिल ये मेडिसिन ले ले फिर उसके बाद वो चली जाएगी सोने. लेडीपन प्रिक के बारे में कहती है तो अनिल कहती है कि वो मेन डोर पर है वो गार्ड दे रही है. लेडीपन थोड़ी गुस्सा हो जाती है. अनिल ऑलवेज प्रिक के साथ ऐसा क्यों करती है. उसे तो अब जाना ही होगा नहीं तो प्रिक सो नहीं पाएगी. अनिल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए फिर तो मुझे अभी के अभी जाना चाहिए. अनिल स्माइल करते हुए कहते हैं लेडीपन आप बैठ जाओ प्रिक बहुत स्मार्ट है मे भी वो आपके आने के बाद सो भी चुकी है. लेडीपन अनिल को डांट तो रही थी पर उसकी दोनों चिक्स रेड हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही थी. लेडीपन को ऐसे उसे डांटते हुए देखकर अनिल जल्दी से उसे हक कर लेती है और लेडीपन भी उसके चेस्ट पर अपने हेड को छुपा लेती है. लेडीपन कहते हैं अनिल मैं यहीं पर सो जाऊंगी. अनिल नोटिस करती है उसकी बॉडी एकदम ठंड थी. लेडीपन क्या बाहर गए थे. लेडीपन आंसर देती है कि हाँ वो नीचे गई थी अनिल की मेडिसिन लाने के लिए. डिनर टेबल पर उसने कहा था ना कि उसे हेड पेन हो रही है इसलिए वो बैग पर उसकी मेडिसिन ढूंढने के लिए गई थी पर वहाँ नहीं थी फिर वो नीचे गई कार में. अनिल कहती है बट लेडीपन आप प्रिक को क्यों नहीं ढूंढने दिया आप अकेले क्यों गए. एक्चुअल में विंडो से वो जो देख रही थी वही चीज़ उसे परेशान करती है तो वही क्लियर करने के लिए वो लेडीपन से ये आस करती है. लेडीपन कहती है नहीं मैं प्रिक की वेट नहीं कर सकती मुझे लगा तुम्हारी हेडपिन बहुत होगी या फिर तुम्हें बुखार हो गई होगी. लेडीपन उसके फोरहेड पर हाथ रखती है उसे चेक करने के लिए. अनिल खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती वो उसे कह देती है कि आप दोनों बीच पर क्या कर रहे थे और खुनकुआ ने आपसे क्या कहा. लेडीपन अनिल की बात सुनकर थोड़ी सरप्राइज थी. वो थोड़ी सेकेंड के लिए सोचती है एंड अनिल से कहती है खुनकुआ ने उसे कहा कि वो उसे लव करता है. मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कॉज उसे नहीं पता. अनिल कहती है
आपको गुस्सा क्यों आ रहे थे और वो कौन सी बात है जो उसे नहीं पता? लेडी पिन कहती है, मुझे वो पसंद नहीं, मैं पैलेस पर वापस आना चाहती थी पर वो बार बार मुझे रोक रहे थे। बट डोंट वरी, मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा कह दिया, कॉज उसके बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। अनिल कहते हैं, वो तो है, वो शाम से ही बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे वहाँ पर डांस करते हुए भी, मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे थे। खुद पिन अनिल की फेस को होल्ड करते हुए कहती है कि अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रही है कि मेरी वजह से अनिल सैड मूड पर थी। मुझसे नाराज़ मत हो अनिल, मैं बस तुम्हें ही लव करती हूँ। ये कहते ही खुन पिन अनिल के लिप्स को रब करती है और धीरे धीरे उसके क्लोज जाकर उसे किस करती है। अनिल, क्या तुम्हारी हेड पेन अभी भी हो रही है? अनिल नोट करती है। लेडी पिन कहती है कि तुम अपने मेडिसिन ले लो। अनिल कहती है कि लेडी पिन आप मुझे खिला दो। लेडी पिन एक सेकंड भी नहीं लगाती है, खास उसकी वजह से अनिल के मूड ख़राब है। और अनिल अब इस टाइम पे जो भी कहेगी लेडी पिन वो फटाफट कर लेगी। अनिल उसे कहती है, क्या वो उसकी गोदी पर थोड़ी टाइम के लिए अपनी हेड रख सकती है? लेडी पिन उसके बालों को रब करती है। अनिल की ये रिक्वेस्ट बहुत स्वीट थी। वो लेडी पिन के हाथ को होल्ड करती है और उसे किस करती है। अनिल उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, लेडी पिन क्या आपको पता है अनिल बहुत पहले ही आपकी हो चुकी थी? ये कहते ही अनिल लेडी पिन के हाथ को होल्ड करते हुए उसे अपनी चेस्ट की ओर पुल करती है। लेडी पिन, लेट्स ट्राई इट, अनिल कहते हैं। लेडी पिन कहते हैं, अनिल को पता है ना कि लेडी पिन बस अनिल की है, तो वो उसे पूछ क्यों रही है? लेडी पिन उसके बालों को रब करते हुए स्माइल करते हैं। अनिल उसे बेड पर पुश करती है और उसकी टॉप पर आ जाती है। मिस पिन अनिल के सारे मूवमेंट को नोटिस करती है। कुछ सेकंड बाद अनिल अपने सूटकेस की ओर जाती है और वहाँ से कुछ ले आती है। लेडी पिन, मैं आपको देना चाहती थी पर खुनकुआ की बिहेवियर से मैं बहुत नाराज थी। लेडी पिन को थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है कि उस बॉक्स पर क्या है। उसके हार्ट बीट बहुत फास्ट मूवमेंट करती है। ब्लैक ब्लू कलर की एक बॉक्स को अनिल ओपन करती है। वहाँ पर एक प्लैटिनम की रिंग थी। लेडी पिन, क्या आप इस रिंग को पहन सकते हो और मेरे पूरे लव को एक्सेप्ट कर सकते हो? लेडी पिन कन्फ्यूज थे। वो हैप्पी थे, इतने दिनों से वो जिसके लिए वेट कर रहे थे वो पर्सन उसके सामने, और जिस पर्सन को सब लोग विजिट करना चाहते हैं, सब लोग उसके लिए पागल है, वो पर्सन उसके सामने बैठे उसे इतने प्यार से एक रिक्वेस्ट कर रही है। अपने मन में उठे हर एक क्वेश्चन को लेडी पिन दबा देते हैं। हाँ, मैं पहनूंगी और तुम्हारे सारे लव को एक्सेप्ट करूंगी। अनिल लेडी पिन के फिंगर पर रिंग पहना देते हैं और उसे किस करते हैं। लेडी पिन कहती है कि आज वो बहुत हैप्पी है, उसे लग रही थी मानो वो अपनी ड्रीम लैंड पर है। अनिल कहती है, तो क्या ये ड्रीम अच्छे थे? लेडी पिन कहती है, हाँ बहुत अच्छे है। फिर वो अनिल को अपनी ओर पुल करती है और उसे हग करती है। अनिल धीरे धीरे उसके क्लोज जाती है और उसके कानों पर अपने लिप्स को टच करती है। और यहाँ लेडी पिन की चाहतें धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो अपने दोनों हाथ को ओपन करती है और अनिल को हक कर लेती है। अनिल लेडी पिन के नीड्स को समझते हुए उसके नेक पर किस करती है। फिर वो उसकी पूरी बॉडी पर अपने लव बाइट छोड़ती है। अनिल धीरे धीरे अपनी शर्ट को ओपन कर रही थी। लेडी पिन ये देखकर ऑटोमेटिकली सो जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे किस करे। बट अनिल नहीं कहते है, उसके फेस पर एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। अनिल ना सुनने की पैटर्न करती है और लेडी पिन की पूरे बॉडी को एंजॉय करती है। अनिल की दी गई उस रिंग से लेडी पिन को एक लव पावर महसूस होती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अनिल की शर्ट के लास्ट बटन ओपन ही हुई थी,
लेडी पिन जल्दी से उठकर उसे हक करती है। वो अनिल को टाइटली हक करते हुए अगेन कहती है, अनिल प्लीज़ किस मी। बट अनिल उसे किस नहीं, उसे टेस करती है। लेडी पिन उसकी ओर देख कर कहती है, अनिल स्टॉप टेसिंग मी। हाँ अनिल ये सुनकर उसकी ओर देख के स्माइल करती है एंड उसकी हैंड धीरे धीरे लेडी पिन के नीचे जाती है और उसके वीक पॉइंट को टच करती है। अनिल लेडी पिन के वीक पॉइंट को धीरे धीरे रब करती है। लेडी पिन बस शेक कर रही थी और टाइटली अनिल को हक करके रखी थी और अनिल के दूसरे हाथ लेडी पिन के चेस्ट पर थे जिसे वो धीरे धीरे रब कर रहे थे। नाउ दिस टाइम ये पैलेस पूरी एकदम शांत थी। अगर साउंड थी तो वो थी बाहर पानी की लहरों की। लेडी पिन अनिल को ऐसे हक करके रखी थी मानो उन दोनों की बॉडी एक हो जाएगी। लेडी पिन भी अपनी लव अनिल को एक्सप्रेस करती है। अनिल उसके कानों में जाकर धीरे से कहते हैं, क्या लेडी पिन अभी भी नीचे अपने कमरे में जाकर सोना चाहते हैं? अनिल, लेडी पिन की शेकी वॉइस बस यही तक बोल पाती है। नाउ दिस टाइम नीचे के रूम बस ब्रेक के लिए है। थोड़ी रोमांटिक तो थी, ना नहीं कह सकते इसमें। ऑल राइट क्यूडेस, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट चैप्टर। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।